लेकिन यह कहां के रहने वाला है कोई था पता नहीं मिल रहा है। तो यह वीडियो को आप लोग लगातार शेयर करें ताकि जिनके घर के परिवार गायब होंगे हो सकता है वो अपने परिवार को देख पाएंगे। इसका कोई अभी पेपर नहीं मिला, कोई डॉक्यूमेंट इसके पास। 70 नंबर गुमटी के समीप एक अज्ञात पार्थिव शरीर मिला जो पूरे तत्र और बेतत्र अवस्था में मिला है, तो बायां साइड में यह बॉडी पड़ा हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांश न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के दुबहा में पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के 70 नंबर गुमटी के समीप एक अज्ञात पार्थिव शरीर मिला जो पूरे तत्र और बेतत्र अवस्था में मिला है। हम आपको बता दें कि पोल संख्या 5342 के बीच में यह पार्थिव शरीर मिला, लेकिन यह कहां के रहने वाला है कोई था पता नहीं मिल रहा है। यहां पे एक ग्रामीण मौजूद है, ग्रामीण को जैसे ही पता चला कि यहां पे पार्थिव शरीर एक अज्ञात आदमी का पड़ा हुआ है, उसी में तुरंत सकरा थाना को फोन जाता है और सकरा थाना अपने दलबल के साथ आते हैं और बॉडी को अपने हिरासत में ले लेते हैं। चौकीदार साहब है, इनसे जानते हैं क्या सूचना मिला था। चौकीदार साहब, हमको सूचना मिला है कुछ देर पहले वाला अज्ञात व्यक्ति पड़ा हुआ है, बड़ा फोन किए। हम सीओ सेंट्रल बैंक पर ड्यूटी थे तो वहां से आए हैं, तो यहाँ डेड बॉडी बांध के लोग ले आ रहे थे। कोई पता होता है इसको, कागज वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट मिला? इसका कोई अभी पेपर नहीं मिला, कोई डॉक्यूमेंट इसके पास। बॉडी देखकर क्या लगता है कि कैसा आदमी है? बॉडी देखते अभी तो कुछ कह नहीं सकता है, कुछ पागल है कि अच्छे आदमी कोई ट्रेन से गिरा है, कहना तो मुश्किल है। बॉडी बदबू दे रहा है कि मतलब हाल फिलहाल का लग रहा है? बदबू बॉडी नहीं दे रहा है, हाल फिलहाल का लग रहा है। जो बॉडी है वो हाल फिलहाल के लग रहा है, हालांकि हो सकता है कि देर रात गिरा हो या कल गिरा हो। हालांकि बॉडी जो था थोड़ा रेलवे ट्रैक के बगल में था और साफ तौर पर उसे हम झाड़ी भी कह सकते हैं, वह झाड़ी में गिरा हुआ था। लेकिन स्थानीय लोग जैसे ही वह बॉडी को देखते हैं उसी प्रकार डायरेक्ट सकरा थाना को फोन करते हैं और सकरा थाना अपने चौकीदार को भेजते हैं और तब जाके बॉडी बरामद हो जाता है। देखिए स्क्रीन पर जो वही बॉडी है जिसमें पन्नी के नीचे बॉडी रखा गया है, हालांकि बॉडी तत्र और बेतत्र दोनों हो चुका है, पहचानना बड़ी मुश्किल हो गई है। तो यह वीडियो को आप लोग लगातार शेयर करें ताकि जिनके घर के परिवार गायब होंगे हो सकता है वो अपने परिवार को देख पाएंगे। देखने से बॉडी पहचान में जो उनके परिवार के होंगे उनको आ सकता है, लेकिन यह जो बॉडी का जो नक्शा है पूरा बिगड़ चुका है। मुख पर ट्रेन की चोट आ चुकी है, यानी कि देखकर कोई नया आदमी नहीं पहचान सकता है। बाकी ग्रामीण है, ग्रामीण से पूछते हैं क्या भाई। ग्रामीण बोलने से इनकार कर रहे हैं, आप ही बॉडी उठाए थे? नहीं, बॉडी उठाए थे ये लोग, इन लोग। क्या कैसा लग रहा था, देखने में कैसा लग रहा? पूरा भिखारी जैसे लग रहा था, उतारे हुए है ना, ऊपर फटा हुआ है। अच्छा, कपड़ा उपड़ा कैसा था? निमन था, जो कलर कैसा है? उजरा है, कलर उतना है। साफ सुथरा था कि गंदा? नहीं, साफ सुथरा था, कपड़ा साफ सुथरा है, कपड़ा साफ सुथरा है। क्या बोले? जींस शॉर्ट पहन रखा, ब्लैक एंड लूजर पहन रखा है जी। यानी कि ध्यान से देखिए कि यही रेलवे ट्रैक है, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर ट्रेन जाएगी, हो सकता है तो उससे दुर्घटना हुआ होगा, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है जब मुजफ्फरपुर से आप चलिएगा तो बायां साइड में यह बॉडी पड़ा हुआ था। जो भी लोग यह वीडियो को देखे हैं आप अपने स्तर से इसको शेयर कीजिए ताकि जिनके घर के परिवार गायब होंगे उनका परिवार के सदस्य आसानी से मिल पाएगा। तुरंत इसको SKMCH मुजफ्फरपुर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद जो भी परिजन हो सकते हैं सकरा थाना से संपर्क कीजिए, आपको सही सलामत बॉडी मिल जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे थे हिमांश न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।